मसीह की चाल क्या है? क्या थी मसीह की चाल? दुख उठाना। आज हम लोग सहते नहीं किसी भी बात को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जीवन जो प्रभु का वचन कहता है, अय्यूब की पुस्तक 14:1 पढ़िएगा। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुखों से भरा रहता है। हालेलुया। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का होता है और दुखों से भरा रहता है। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूं। समझ रहे हैं आप? He never preached. यीशु मसीह ने इतना कहा है कि जुआ तो मेरा भी उठाना पड़ेगा, लेकिन वो हल्का है। बोलिए। हालेलुया। उदाहरण के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा कुछ सुना। जब 3 दिन एग्जैक्टली आए, वो 3 दिन की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी, मतलब 13th, 14th, और 15th, मतलब अमावस्या तक। ये 3 दिन तक ये साधना चलती है, और ये 3 दिनों के अंदर आपको एक स्थान पे बैठकर अपने ही मलमूत्र को पीना होता है, खाना होता है, मतलब फीसिस भी, या स्टूल को खाना होता है और पेशाब को पीना। हाँ, और कुछ नहीं खाना होता और कुछ नहीं पीना होता। देखो, जेंटाइल है, वो अपनी भगती दे बारे दास रहे ने भी, ए रिचुअल है कि जी 3 दिन के लिए एक ही जगह पर बैठकर आपको अपना ही पेशाब पीना है, अपनी ही पोटी खानी है। यीशु मसीह क्या कहता है? मेरा जुआ उठाओ, वो उठाने में क्या है, सहज है, हल्का है। हालेलुया। मैं मतलब शुक्र करो भी आप मसीह हो, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि आप मसीह हो, नहीं तो आप भी ये कुछ कर रहे होते। लेकिन दुख जो है इस धरती पर कभी खत्म नहीं होंगे। इन चीजों में तो खुदावन ने हमें हल्का जुआ दिया है, लेकिन कष्ट जो है वो तो भी रहेगा, दुख होंगे हमें, है जी। उन दुखों में आपको शांति देता है मसीह। दुख दूर नहीं करता, दुखों में आपको तसल्ली देता है, दुखों में आपको शांति देता है, दुखों को उठाने के लिए आपको बल देता है। हालेलुया। देखिए पौलुस क्या कहता है, कहता है कि जब मैं कमजोर होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मुझ में प्रकट होती है। हालेलुया। देखिए कितना अद्भुत बात लिखा है। तो अय्यूब 14:1 में लिखा है, कहता है कि जो भी जन स्त्री से पैदा होता है वो थोड़े ही समय का होता है और दुखों से भरा हुआ होता है, दुख होते हैं उसके जीवन में। और मैं आपको कहता हूं कि आपका इवन आपका किसी भी फील्ड में, आप कह लो आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, यू विल गेट डिफिकल्ट टास्क कि आप मुश्किल से उसको फुलफिल कर पाए। समझ में आ रहा? कोई भी जॉब हो भाई, अनुग्रह आप जॉब करते हैं, उसमें मुश्किलात आती हैं भाई। तेजपाल साथ में है, एयरटेल में काम करते हैं, मुश्किलें आती हैं आपको, ये इनको भी मुश्किलें आती हैं, कई बार सेल नहीं होते। हर एक फील्ड में मुश्किलात तो आती ही, और सेवा जो है वो और भी टफेस्ट है, और भी मुश्किल है। हाँ जी, मुश्किल से मुश्किल लोगों को मिलेंगे, ढीठ से ढीठ लोग आपके सामने रखे जाएंगे, और आपका उनको समझाना बहुत कठिन हो जाएगा। और सेवा कहते भी इसी को है, अगर कोई सुधरा हुआ ही आपके पास आया तो फिर वो सेवा क्या हुई, उसको जरूरत ही नहीं आपकी काउंसलिंग की, आपके बोलने की। मैं अक्सर बोलता हूँ कि चर्च वाले सुनते नहीं, किसी के भी नहीं सुनते हैं। किसके सुनते हैं बोले? किस कौन से सच्चे दासों की लोगों ने सुनी है, बता दिए बाइबल में से। हर एक चीज में मुश्किलात, किसी के जीवन में कुछ मुश्किलात होंगी, किसी के जीवन में कुछ मुश्किलें होंगी। पत्नी के द्वारा आप परेशान किए जाएंगे, आपके लाइफ में चैलेंजेस तो रहेंगे ही, तकलीफें दुख तो रहेगा ही,